हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहरता। दोस्तों, बात करेंगे सिंघम अगेन की मार्केटिंग की। वो किस तरीके से टीजर ट्रेलर अपना प्लान कर रहे हैं। देखो, आज ज्योति देशपांडे जो कि जियो की एक टॉप लेवल मतलब एम्प्लॉई हैं, ये लगा लो वो सीईओ हैं, तो उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। इससे पहले वो वाइकॉम 18 की सीईओ थी। अब ज्योति देशपांडे जब से जियो में आई है ना, क्योंकि आपको पता है रिलायंस के साथ प्रोड्यूस कर रहा है रोहित शेट्टी, और उसकी सारी फिल्में जो कॉप यूनिवर्स के साथ आई है ना, वो सारी रिलायंस ने प्रोड्यूस की हैं। अब ज्योति देशपांडे ने आज इंटरव्यू में क्या बोला, सबसे पहले उन्होंने बोला ये कोई ईगो क्लैश नहीं है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए दोनों फिल्में एक साथ दिवाली पर आ रही हैं। सब पैसा कमाए, मैं ये चाहती हूँ, पर हमारी फिल्में थोड़ा सा ज़्यादा कमाए। सही बात है, सेल्फिश होना भी चाहिए, हर कोई तरक्की करे, पर हम उससे ज्यादा करें, यही चीजें होती है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि भाई लोग बोल रहे हैं तुम क्लैश कर रहे हो, दिवाली पे क्यों आ रहे हो। उन्होंने बोला भाई फिल्म ही दिवाली को सोचकर बनाई गई है। कहने का मतलब है बड़े फेस्टिवल वाली फिल्म है, पब्लिक जाएगी, इंटरटेन होगी और एक तरीके की वैसी फिल्म होने वाली है। साथ साथ ये भी बताया ये रोहित शेट्टी का ना एवेंजर्स है, रोहित शेट्टी के एवेंजर्स। अब ये सुनकर ना मैं शॉक हो गया, जब उन्होंने एवेंजर्स वाली बात बोली ना, तो सुनकर भाई साहब दिल को तसल्ली मिली। देखो, स्त्री 2 आई है, वहां पर भी एक तरीके से एवेंजर्स की तरह जितने भी हैं, भेड़िया हो गया, मुंजिया हो गया, भाई वैम्पायर का उन्होंने उसके अंदर हिंट दिया, रेफरेंसेस भी थे, तो ये सब चीज़ें सुनकर अच्छा लगा कि हाँ भाई रोहित शेट्टी इस फिल्म को एक तरीके से एवेंजर की तरह प्रेजेंट करने वाले। और कल मैंने बोला भी था थर्ड पार्ट है तो लगना चाहिए कि हाँ भाई थर्ड फ्रेंचाइजी है, कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, थर्ड तरीके से प्रेजेंट करे, वो तैयारी तो कर रखी है। आपको पता है अभी क्लाइमैक्स शूट हो रहा है, 2-3 दिन और लगेंगे, फिर वो जो क्लाइमैक्स को रीशूट किया जा रहा है उसको एडिटिंग टेबल पर लेकर जाया जाएगा। अगर आप रोहित शेट्टी का पैटर्न जानते हो तो अच्छे, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, रोहित शेट्टी हमेशा से है ना अपनी फिल्मों को सीधा सीधा 25 से 30 दिन की विंडो में प्रमोट करते हैं, ताबड़तोड़ प्रमोशन कैंपेन चलाते हैं, टीवी शोज के ऊपर जाएंगे, मीडिया से इंटरव्यूज करेंगे, इंटरेक्शंस होंगे, पॉडकास्ट होंगे, भाई सब शहरों में घूमेंगे, 25-30 दिन का वो टाइम लेते हैं। उनको पुरानी कितनी भी फिल्में उठा लो ना, उन्होंने यही किया है और इस बार भी वही होने वाला है। उन्होंने बोला है अभी 8 हफ्ते बचे हैं ऑलमोस्ट हमारी फिल्म को आने में, 1 नवंबर को फिल्म आ रही है क्लैश में भूल भुलैया 3 के साथ, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम अक्टूबर से अपनी मार्केटिंग प्लान कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सीधा हमें जो भी आउटपुट देखने को मिलेगा सिंघम 3 की तरफ से, सिंघम अगेन की तरफ से, वो अक्टूबर मंथ में मिलेगा। यहां मुझे लग रहा है कि आपका मेकर्स टीजर बना ही ना रहे हो, क्योंकि रोहित शेट्टी ट्रेलर ही इतना बड़ा बनाते हैं ना, उसी में सब कुछ दिखा देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है टीजर हो ही ना, सीधा डायरेक्ट ट्रेलर आए। क्योंकि एक महीने में आप टीजर भी लाओगे, ट्रेलर भी लाओगे, फिर 1-2 सॉन्ग भी लाओगे, तो इतना टाइम बचेगा नहीं। तो मुझे तो लगता है सीधा डायरेक्ट ट्रेलर आएगा, जो भी आए ना तगड़ा आए, क्योंकि बहुत उम्मीद है इस फिल्म से और तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि भाई छोटी मोटी बात नहीं है, एवेंजर्स वाली बात हुई है तो फिल्म तगड़ी होगी, तभी पैसा कमाएगी। और अजय देवगन को सुपर दोपहर हिट देना बहुत जरूरी है। बाकी अभी क्या रहा है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।